खबर है प्रधानमंत्री मोदी के उस नए हमले को लेकर जिसमें उन्होंने खुद के मरने की कामना करने वालों को तगड़ा जवाब दिया है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की मौत के नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी तब भी आप समर्थकों ने प्रधानमंत्री की मौत के नारे लगाए थे। और इससे पहले अगर आपको याद होगा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ जब कार्रवाई की गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पर तब भी मोदी को लेकर कब्र के मोदी तेरी कब्र खुदेगी इस तरह के नारे लगाए गए थे। और इसे ही लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से तगड़ा हमला बोला है। नया हमला आम आदमी पार्टी के समर्थकों के नारों के बाद आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमला कर्नाटक की रैली में बोला है जहां पर उन्होंने कहा है कि अब विपक्ष को यानी कि खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है, ये समझ में आ गया है कि जब तक कम से कम मोदी जिंदा है तब तक तो कम से कम दाल गलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनिए। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोलने में बिजी हो गए हैं, वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। तो 2024 के चुनाव को देखते हुए और जिस तरीके से महागठबंधन बनाने की तैयारी की जा रही है उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान है इसे आप उससे जोड़कर देख सकते हैं। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए या जो महागठबंधन की जो बात हो रही है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद हर रैली में जाकर भाषण देते हैं, उनके भाषणों का प्रभाव भी होता है। तो कुल मिलाकर यही है कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना करते हुए नारे लगा रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा जवाब दिया है। पीएम के इस जवाब पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।